दोस्तों, फाइनल डंकी के ट्रेलर को लेकर बहुत बड़ा न्यूज सामने आया है, जिसको सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डंकी का ट्रेलर इतना खतरनाक होगा कि जवान पठान भी उसके आगे कुछ नहीं थी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के लिए साल 2023 काफी अच्छा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी में रिलीज हुई उनकी फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वही मूवी ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। इसके बाद दोस्तों 7 सितंबर को एटली की फिल्म जवान रिलीज हुई। इसको लेकर भी फैंस में गजब का उत्साह देखा गया। थिएटर्स में कई दिनों तक सारे शोज हाउसफुल रहे। मूवी ने भारत में अब तक 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब किंग खान अपनी अगली फिल्म डंकी को रिलीज करने के लिए तैयार हैं, जो राजकुमार हिरानी के साथ उनकी पहली फिल्म होगी। यह फिल्म दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। डंकी इसको जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी फिल्म्स का समर्थन प्राप्त है। मूवी में शाहरुख खान और तापसी पन्नू के अलावा बोमन ईरानी भी होंगे। कोई भी फिल्म इनमें से पोस्टपोन होती है तो जो फिल्म 22 को रिलीज होगी वो थिएटर को फाड़ डालेगी, क्योंकि इस समय जो फैंस ने डंकी और सलार की जो ट्रेंड चलाई है सबको पता चल चुका है। दोस्तों, डंकी और सलार के फैंस आपस में एक दूसरे से बुरा बुरा मीम्स बना रहे हैं और उनको रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा ही कुछ गदर 2 और एनिमल को लेकर भी था। दोनों को पहले 11 अगस्त को रिलीज किया जाना था, बाद में एनिमल के मेकर्स ने रिलीज डेट आगे बढ़ा ली थी। अब बात हिंदी मार्केट की करें तो यहां पर भी शाहरुख खान ने पिछली 2 फिल्में 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर कर डाली है, इसलिए हिंदी में भी सलार को चौकन्ना रहना पड़ेगा। वही खबरें ये भी आ रही हैं कि सलार प्रशांत नील की पहली फिल्म से थोड़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन इसको रीमेक नहीं बोल सकते। दोस्तों, अब देखना होगा डंकी और सलार की ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।